हेलो एंड वेलकम टू मीरब्स किचन। आज मैं आपके साथ दाल माश की रेसिपी शेयर करूंगी। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। दाल माश की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में घी ले लिया है, आप चाहे तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। हाफ कप मैंने घी लिया है। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी। प्याज मैंने लिए थे 2 मीडियम साइज के, जिन्हें मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। इससे पहले भी मैं आपके साथ दाल माश की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, उनका लिंक मैं आई कार्ड में दूंगी, वो भी आप जरूर देखें। जब तक हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं, हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। टमाटर लेंगे 2 अदर, 7 से 8 जवे लहसुन के लेंगे, 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का लेंगे, 5 हरी मिर्चें लेंगे और इनकी मैं पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। प्याज हमारे बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें पिसा हुआ मसाला ऐड करूंगी, जिसमें टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का जिनकी मैंने पेस्ट तैयार कर ली थी। अब मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करूंगी, नमक 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं। हल्दी लेंगे 1/4 टीस्पून, सफेद जीरा लेंगे 1 टीस्पून, पिसा धनिया 1 टेबलस्पून, और इन सब मसालों को मिक्स करके अच्छी तरह से इन्हें भून लेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका है और इसका घी भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। माश की दाल है जिसे मैंने साफ करके इसे धो के 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो दिया था। बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी इसमें तकरीबन मैंने 3 कप ऐड किए हैं। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि दाल से तकरीबन 1/2 इंच जो है ये पानी ऊपर हो, और आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको कुक करना है ताकि दाल भी हमारी अच्छी तरह से गल जाए। और इसे मैं कवर कर दूंगी और इसी दौरान मैं 1 से 2 बार इसे चेक करूंगी ताकि दाल हमारी नीचे से जल ना जाए। 35 से 40 मिनट तक मैंने इसे लो फ्लेम पे कुक किया। दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है और आपने उस वक्त तक पकाना है जब तक आपकी दाल गल ना जाए। अब मैं इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें काट के डालूंगी। थोड़ी सी मैं गार्निश के लिए रखूंगी, इनका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। एक से दो मिनट के लिए इसे मैं मीडियम फ्लेम पे कुक कर। बहुत ही मजेदार दाल माश की रेसिपी तैयार है। तो आप इस रेसिपी को बनाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।